पट्टी इलाके दे पिंड चीमा अंदर बीते मई महीने दौरान जमीनी झगड़े दौरान दर्ज होए इरादा कतल दे मुकदमे अंदरों एक मुलजम नूं गिरफ्तार करके छड्डन उत्ते पीड़ित परिवार नूं इंसाफ देण बदले पुलिस अधिकारियां वल्लों लखां रुपए की रिश्वत मंगी गई। ए दोष लगांदे होए पुलिस थाना सदर पट्टी अगे किसान संघर्ष कमेटी पंजाब कमलप्रीत सिंह पन्नू ग्रुप दे सूबाई आगू जसविंदर सिंह दी अगवाई हेठ पुलिस उत्ते दोष लगाउण वाले पीड़ित परिवार वल्लों रोस प्रदर्शन कीता गया। हुण करिए ते की करिए, फसल बीजनी है, पैसे नहीं, कर्जे ते कर्जा। इस सरकार नूं वोट इस करके पाई सी, कहिंदे सी कि सारे कर्जे माफ करांगे, किसानी बचावांगे। मिलिया की 108 रुपये दा चेक। हुण गलती नहीं करनी, सबक सिखाउणा है। वोट पाउणी है उहनां नूं जिहड़े समझण साडे दर्दां नूं। सिद्धियां गोलियां मारियां, मेरे बेटे दियां अखां चलियां गईयां, अखां चलियां गईयां, बांह सारी निशानी हुई है, निशानी हुई है, नाड़ां खड़ो गईयां, उंगलां नहीं चलदियां। ते मेरे बेटे चंडीगढ़ PG हस्पताल आ, उन्होंने भी अगर रजिस्टर करता भी ये दिल्ली जाओ। सानू इंसाफी मिलनी चाहिए ना, मेरी नौवीं हिसाब न उंगले ला के टट्टी पेशाब करा डी, सानू इंसाफी मिलनी चाहिए। किसान संघर्ष कमेटी पंजाब कवलप्रीत सिंह पन्नू, मैं जसपाल सिंह करतोवाल सूबा गू। की कहना चाहते अज कि मसला जरा जी चीमें जी लड़ाई हुई है, ये पैली देव विवाद तो लड़ाई हुई है जी। तो ये पहलों सरजीत सिंह उन्होंने पैली ठेके से ली, मुड़ के उन्होंने बैग खरीद ली जी। ये धक्के नाल ही तारिया सिंह होनी आपके बंदे कट्ठे करके आ रहे हैं। सरजीत सिंह होनी उन्होंने डकन गया भी अज ना वो सिरे अपना फैसला वा, 16 तरीक नूं पली पाउंडे, 17 तरीक का फैसला ही थाने। तो वो धक्के ना वाह रहे, सरजीत सिंह उन्होंने डकन गया, सरजीत सिंह उन्होंने कुटन मार ला पे आ, गोलियां मारती। तो जगजीत सिंह जो दूजे बंदे ना मगर गए छडाउन, इन्होंने गोलियां मारती जी। नुकसान उन्होंने जी, एक दियां अखां चल गईयां, एक दे ब्रेन च वज गई गोली, वो दिमाग से उन्होंने दौरे बहुत पैंड है जी, वो सारे ओ पी जी है जी। उधर दूजे पास को नुकसान है? हाँ जी, दूजे पास को नुकसान है? दूजे धिर का जी नुकसान कोई नहीं होया, वो सू पता लगता भी उन्होंने आप जो ये बंदे दो डिग पे ना भी इन्होंने पता लगे भी बंदे मारे मर गए, उन्होंने आपके बंदे आपे फटड़ किए बराबर परचा करना करके, बराबर परचा करना करके उन्हें आपे गोलियां ठोकिया जी। पुलिस ने की कार्रवाई की? पुलिस ने जी कोई कार्रवाई नहीं की, ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਲਿਆ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਦੋ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਸਾਡੀ PGI ਉਹ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਿਊਨ ਲੈ ਲਏ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰ
ਹਾਂ ਜੀ ਪੱਟੀ ਪੱਟੀ ਦਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ 5.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਵਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਉਹ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਿਆਸੀ ਸਹਿ ਲਿਕੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਵੀ ਜੀ ਚੱਕਰਪਾਣਾ ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਲਿਖੇ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਜੀਨਾ ਆਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੁਫ਼ਤਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮਗਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਸੰਬੰਧੀ DSP ਪੱਟੀ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਮੇਲੀ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ SSP ਧਰੂਮਨ ਐਚ ਨਿੰਬਲੇ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜੀ ਚੀਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ 302 ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਰੋਸ ਕੇਸ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮੁਰਜਮ ਨੇ
एक पासे 302 दे दोषी ने, दूजे पासे 307 दोषी ने। 302 दे दोषी ने उन्होंने असी दो बंदे अरैसट कर ले ने, ते जिहड़े 307 दे दोषी ने उन्हां दी अजे अरैसट बाकी है। इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है जी। ये दोषी 307 दे जिहड़े दोषी ने, जिहड़े 302 दे विच मदई ने, उन्होंने ह्यूमन राइट्स कमीशन नूं, एससी कमीशन नूं कंप्लेंटां पाईआं होईआं जिहदी जिहदे विच उन्होंने साडे तों जवाब मंगिया सी। ते उहदे च साडा अज इक एफिडेविट भी फाइल होणा है भी जो हालात उन्होंने पूछे ने भी सही हालात की ने। उन्हों का कहना है भी साढ़े तो इन्होंने झूठा परचा दर्ज कराता जिन्हों का मतलब 302 जिहड़े मदई ने ना तारा सिंह की डैथ हुई सी, वह बंदे कहिंदे ने साढ़े तो इन्होंने झूठा 307 का परचा दर्ज कराता जिहदे करके वह मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है। वो परसों असी कल उन्हों का परसों असी उन्हों का बंदा जिहड़ा साढ़े कोल आया सी, असी 307 से उसकी पुछगिछ भी की है। तो उन्हूं इस करके छड्डिया भी वो अंडर इन्वेस्टिगेशन मैटर है, पूरी गल क्लीयर नहीं हो रही। तो नाले वह कमीशन के जवाब जाना जो वो बनती कार भी उन्होंने जल्दी असं गिरफ्तार कर लवेंगे। इस तरह 302 के साथ मुरजम ने दोषी ने, असं उन्होंने अरैसट करने वास्ते रेड कर रहे हैं। वो दोषी अपने आपके लैवल से कोई ना कोई गल करी, सारे तो ध्यान च ही नहीं है योजी गल, सन तो वांटड ने असं गिरफ्तार करने, बाकी ने घरों भजे हुए ने। यहोजी कोई गल नहीं हैगी, यहोजी कोई गल नहीं, साढ़े 302 दे मुरजम ने। हाँ जी, यहोजी कोई गल नहीं, कुछ भी कह सकते हैं अपने लैवल से, कुछ भी कह सकते हैं, साढ़े कोई यहोजी ध्यान च गल नहीं हैगी। सन तो केस च वांटड ने, बार बार रेड कर रहे हैं उन्होंने उत्ते, कतल होया साढ़े दोषी नहीं, यहोजी कोई गलबात नहीं, ना मेरे को ध्यान च आई, ना कोई एस एच ओ लैवल की कोई गल यहोजी हैगी। इदा वो तो इस तरह भी अगला कुछ भी कह सकता, जो दोषी है दोषी पार्टी कुछ भी कह सकती है, वो बारे सा अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जो फेयर इन्वेस्टिगेशन हैगी असी कर रहे हैं, जो है असी जवाब दें। देश दुनिया दीआं ताज़ा खबरां दे लई हुणे प्ले स्टोर तों डाउनलोड करो पंजाब दी आवाज़ अजीत न्यूज़ ऐप। हुण तुहाडा अपना अजीत हर सोशल मीडिया प्लेटफार्म दे उत्ते उपलब्ध है। फेसबुक दे उत्ते हुणे लाइक ते फॉलो करो अजीत दा ऑफिशियल पेज डेली अजीत, ते हाँ नाल ही दोस्तां नूं पेज लाइक करन दे लई इनवाइट करना ना भुलना। इन्ना ही नहीं, हिंदी दे विच खबरां वास्ते लाइक ते फॉलो करो साडा फेसबुक पेज अजीत समाचार हिंदी। यूट्यूब दे उत्ते वीडियो खबरां देखने दे लई हुणे सबसक्राइब करो अजीत दा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अजीत वैब टीवी। तुहाडा अपना अजीत हुण ट्विटर ते इंस्टाग्राम दे उत्ते भी उपलब्ध है। ट्विटर दे उत्ते खबरां दे लई फॉलो करो डेली अजीत, ते इंस्टाग्राम दे उत्ते खबरां दे नाल नाल वीडियो देखने दे लई फॉलो करो ब्लू टिक वाला साडा ऑफिशियल चैनल डेली अजीत। इन्ना ही नहीं, अजीत दे वीडियो हुण तुसीं एप्पल टीवी दे उत्ते भी वेख सकदे हो, ते नाल ही अजीत अखबार दा डिजिटल एडिशन पढ़न दे लई डाउनलोड करो अजीत ई पेपर ऐप। तुहाडा अपना भरोसेयोग चैनल, तुहाडी अपनी आवाज़, पंजाब दी आवाज़ अजीत।